हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MGB's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द बॉटनी पेपर सेकेंड, प्लांट फिजियोलॉजी। इज प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर तस्नीम कौसल। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, ट्रांसपिरेशन। सो फर्स्ट वी कैन सी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। Then plants absorb a large amount of water from the soil by root systems, and then parts plant parts जो भी water root के through absorb करते हैं वही water बाद में leaf के ज़रिए जो बाहर निकलता है in the form of vapors, that is a transpiration। वो process जो होता है transpiration होता है। This absorbed water is carried to the aerial parts of the plants, and only a fraction 1-2% of it is utilized by plants to perform various biological activities। उसके बाद उन्हीं वाटर से बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, वो प्लांट्स के अंदर जो यूज़ होते हैं, अलग अलग पर्पज़ पर यूज़ किए जाते हैं। एंड देन मोस्ट ऑफ द वाटर इन 98-99% इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। फिर वही वाटर जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलते हैं थ्रू द लीव, थ्रू द स्टेम, एरियल पार्ट्स जो होते हैं उनके ज़रिए बाहर निकलते हैं। देन द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम प्लांट्स बाय ट्रांसपिरेशन। और बहुत लार्ज अमाउंट में जो है वाटर बाहर निकलता है, लॉस्ट होता है बाय ट्रांसपिरेशन। फॉर एग्जांपल क्रोटेलेरिया जुनशिया लॉसेस 27 kg वाटर इन इट्स लाइफ साइकिल ऑफ 4-5 months। क्रोटेलेरिया जुनशिया ये जो प्लांट्स है, इट इज़ बिलोंगिंग टू फैबेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसमें टोटल 27 kg वाटर लॉस होता है 4-5 months में। देन नेक्स्ट वन इज हेलियंथस एनस सनफ्लावर, कॉमन नेम सनफ्लावर, लॉसेस अबाउट 56 kg ऑफ वाटर फॉर द सेम पीरियड। इसमें भी है तो 56 kg वाटर जो है लॉस होता है। देन नेक्स्ट मेज प्लांट्स जिया मेज कॉर्न, कॉमनली नोन एज कॉर्न और भुट्टा, मे ट्रांसपायर अबाउट ए बैरल ऑफ वाटर इन इट्स लाइफ ऑफ ए फ्यू वीक्स। उसमें सम वीक्स में बहुत ज़्यादा वाटर जो है बाहर निकलता है। देन नेक्स्ट प्लांट बीच ट्री फैगस सेल्वेटिका लॉसेस 75 kg ऑफ वाटर पर डे ड्यूरिंग समर। समर में फैगस सेल्वेटिका जो प्लांट्स है इसमें 75 kg वाटर जो है पर डे निकलता है। देन ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। देन नेक्स्ट वन इज शोविंग द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर फॉर्म इन वाटर। सबसे पहले यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं वाटर रूट्स के, रूट हेयर्स के ज़रिए इंटर होता है, फिर वहाँ से हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप में हम लोग यही स्टडी किया है कि किस तरह वाटर इनसाइड द प्लांट्स इंटर होता है बाय द सेल्स, एक एक सेल्स के ज़रिए इंटर होता है, जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए इंटर होता है, वेसल्स ट्रैकीज जो जाइलम के कंपोनेंट्स हैं उनके ज़रिए वहाँ पर लीव्स के अंदर तक, लीव्स के सेल्स में इंटर होते हैं, और फिर वही वाटर जो है इवेपोरेट होते हैं। ये देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बाय द स्टोमेटा, स्टोमेटा के ज़रिए, लेंटिसेल्स के ज़रिए, लीफ और स्टेम्स के ज़रिए वाटर जो है वाटर बाहर के साइड निकलते हैं, तो दैट होल प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन। देन
वी कैन सी डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन. द लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. दिस इज कंट्रोल्ड बाय लिविंग सेल्स. यहाँ पर देख सकते हैं, सी दिस स्ट्रक्चर, दिस फिगर, वाटर लीव्स किस तरह निकलता है दिख रहा है हमको. नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर देख सकते हैं, देखो अगर हम लोग किसी पॉलीथीन के ज़रिए प्लांट्स के लीव को पैक करेंगे तो उसके अंदर जो है ह्यूमिड कंडीशन ऑकर होंगी, उसके बाद जो वहाँ पर वाटर जो है कलेक्ट होंगे हमको दिखेंगे. सी दिस वन, यहाँ पर वाटर का कलेक्शन हो रहा है, तो ये जो वाटर्स रहेंगे वेपर्स के फॉर्म में कलेक्ट होते हैं. इस तरह से जो है वाटर लीफ से ट्रांसपायर होती है, ये रहेगा ट्रांसपिरेशन. देन टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इट इज़ द मोस्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द लीव्स विच इज़ नोन एज फॉलियर ट्रांसपिरेशन थ्रू वाटर ए लॉस्ट फ्रॉम स्टेम फ्लावर्स फ्रूट्स एक्सेट्रा. ट्रांसपिरेशन मे टेक्स प्लेस थ्रू द क्यूटिकल लेंटिसेल्स एंड स्टोमेटा एंड बेस्ड ऑन द ट्रांसपिरेशन इज ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स. मतलब यहाँ पर जो है टाइप्स इसके थ्री बेस्ड ऑन दिस थ्री टाइप्स. वैसे तो वाटर बहुत सारे प्लांट्स के एरियल पार्ट से निकलता है, फ्लावर से फ्रूट से स्टेम से लीफ से, लेकिन जो इसकी मेन बेस थ्री टाइप्स है. फर्स्ट वन इज़ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड सेकेंड वन इज़ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड थर्ड वन इज़ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. वी कैन सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज़ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. वॉट इज़ क्यूटिकल, सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है क्यूटिकल क्या है. क्यूटिकल इट इज़ ए हार्ड आउटर लेयर दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स ए प्लांट्स. प्लांट्स को कवर करता है, हार्ड होता है, आउटर लेयर्स होती है. एंड देन व्हेन वाटर इज लॉस्ट थ्रू क्यूटिकल इट इज़ कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. जब वाटर क्यूटिकल के ज़रिए बाहर निकलता है तो वो ट्रांसपिरेशन क्या कहलाएगा, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. देन क्यूटिकल इज़ ए वैक्सी कोटिंग और लेयर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड हर्बेशियस स्टेम्स. ये जो हर्बेशियस स्टेम में ही प्रेजेंट होता है, मतलब जिसका स्टेम ग्रीन कलर का होता है, यंग प्लांट्स जो होते हैं उन्हीं में हमको दिखता है क्यूटिकल. बहुत ज़्यादा हार्ड्स होंगे तो वहाँ पर हमको क्यूटिकल नहीं दिखेंगे, इसके लेयर्स नहीं दिखेंगे. क्यूटिकल इज़ इम्परवियस टू वाटर. इम्परवियस विच मीन्स नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय सम थिंग्स. देन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल. देन प्लांट एक्सपोज टू सनलाइट हैव थिक क्यूटिकल. देन नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्लांट्स इज शेडेड एरियाज हैव थिन क्यूटिकल. जो प्लांट्स शेडेड एरियाज में रहते हैं वहाँ पर वो थिन क्यूटिकल के रहते हैं, और जो प्लांट्स सनलाइट से एक्सपोज रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, दैट इज़ थिक क्यूटिकल. देन क्यूटिकल प्रेजेंट इन हर्बेशियस स्टेम फ्लावर्स पार्ट्स एंड फ्रूट्स. क्यूटिकल किस में प्रेजेंट होते हैं, हर्बेशियस स्टेम्स में, फ्लावर पार्ट्स एंड फ्रूट्स में. देन नेक्स्ट पॉइंट, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स हैव वेरी थिक क्यूटिकल टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन. ज़ीरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं
वॉट इज ज़ीरोफाइट? ए प्लांट्स विच नीड्स वेरी लिटिल वाटर, मतलब लो स्केर्सिटी ऑफ वाटर में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं दैट इज़ दी थिक क्यूटिकल. देन नेक्स्ट वन इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. वॉट इज, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे वॉट इज लेंटिसिल. लेंटिसिल क्या है? वन ऑफ मेनी रेज्ड पोर इन द स्टेम ऑफ ए वुडी प्लांट्स दैट अलाउज गैस एक्सचेंज बिटवीन द एटमोसफियर एंड द इंटरनल टिश्यूज दैट इज ए लेंटिसिल. वो क्या रहेंगे? लेंटिसिल्स रहेंगे. स्टेम इसमें कैसे रहेंगे? वुडी स्टेम्स प्रेजेंट रहेंगे जिन प्लांट्स में, तो वहाँ पर लेंटिसिल्स के जरिए ट्रांसपिरेशन होता है. व्हेन ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लेंटिसिल्स इट इज़ कॉल्ड एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन इन वुडी प्लांट्स. लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन इज ऑकर इन वुडी प्लांट्स आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ. जिन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जाइलम और फ्लोएम कैम्बियम वगैरह के सेल्स जब दिखते हैं तो वो प्लांट्स में लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है लेंटिसेल्स के जरिए. देन इन दिस लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय पेरिडर्म और कॉर्क. एपिडर्मिस जो होता है वहाँ पर पेरिडर्म में रिप्लेस हो जाता है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्क. इट इज़ आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स कॉर्क टिश्यूज. डेड सेल्स और इट इज़ ए कॉर्क टिश्यूज. लेंटिसेल आर बार्क ऑफ वुडी प्लांट्स. हम लोग बहुत सारे वुडी प्लांट्स में देखते हैं स्टेम के अंदर बार्क उसके निकलते दिखते हैं हमको. ब्राउन कलर के स्टेम के कुछ पार्ट्स जो है हमको निकलते दिखते, तो वो जो रहेंगे लेंटिसेल्स रहेंगे और ऑल्सो नोन एज कॉर्क, बर्क और पेरिडर्म. देन द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर थ्रू लेंटिसेल्स इज अबाउट 0.1% ऑफ टोटल लॉस ऑफ वाटर बाय द होल प्लांट्स. लेंटिसेल्स के जरिए सिर्फ 0.1% ही लॉस होता है, बहुत ज़्यादा इसमें वाटर ट्रांसपायर नहीं होता है. देन नेक्स्ट वन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. देन व्हेन लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. जब वाटर जो है लॉस होगा थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के जरिए जो वाटर बाहर निकलेगा तो वो ट्रांसपिरेशन कहलाएगा, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. वॉट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर्स और ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. लीव्स के अंदर जब हम लोग टीएस लेते हैं तो लोअर साइड में ज़्यादा हमको स्टोमेटा मिलते हैं, अपर साइड में कम मिलते हैं. तो वो जो लीफ के अंदर हमको स्टोमेटा दिखता है, माइन्यूट पोर्स होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये. देन द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स बट इन मोनोकॉट्स सच एज ग्रासेस इक्वल इन नंबर ऑन द अपर एंड लोअर सरफेसेस. यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा लोअर सरफेस में सबसे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, लेकिन जो मोनोकॉट्स और ग्रासेस वगैरह होते हैं उनमें इक्वल नंबर में होते हैं अपर एंड लोअर सरफेस पर, दोनों लेयर पर इक्वल अमाउंट में स्टोमेटा दिखते हैं हमको. द टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय स्टोमेटा इज़ 80-90%. मतलब मोस्टली जो है प्लांट्स में थ्रू द स्टोमेटा ही ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर जो है ट्रांसपायर होता है स्टोमेटा के जरिए, बहुत कम लेंटिसेल्स और क्यूटिकल के जरिए ट्रांसपायर होती है. देन सी दिस स्ट्रक्चर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज सीन एंड नेक्स्ट वन इज क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन
एंड थर्ड वन इज़ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, स्टेम के ज़रिए दिख रहा है हमको यहाँ पर, यहाँ स्टोमेटा के ज़रिए, पोर्स के ज़रिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग जब लीफ का सेक्शन लेते हैं तो हमको लोअर साइड में यहाँ पर स्टोमेटा दिखते हैं, उसके ज़रिए जो ट्रांसपिरेशन होता है दैट इज़ द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। देन नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा आर माइनूट पोर्स और ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस पर। देन ईच स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ एलिप्टिकल विच मीन्स क्रेसेंट शेप एंड देन इट इज सराउंडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। वहाँ पर उसके सराउंड में टू स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि गार्ड सेल्स होते हैं। देन ईच गार्ड सेल इज किडनी शेप्ड एज इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है किडनी शेप्ड स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और इन मोनोकॉट्स डम्बेल शेप्ड एज इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स के जो प्लांट्स होते हैं उसमें डम्बेल शेप्ड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ईच गार्ड सेल कंटेन्स ए न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, सेंट्रल वैक्यूल्स फील्ड विथ सेल सैप। ईच गार्ड सेल्स जो होते हैं उनमें ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, सेंट्रल वैक्यूल्स फील्ड विथ सेल सैप, सेल सैप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज़ थिकर एंड नॉन इलास्टिक। इसकी जो इनर वॉल होती है थिक होती है और नॉन इलास्टिक होती है। सी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, इसमें आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, इसके हर एक पार्ट्स आपको आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है एपिडर्मिस और सब्सिडियरी सेल्स, ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी सेल्स यहाँ शो हो रहा है। दिस वन इज एपिडर्मल सेल एंड दिस स्टोमेटल पोर। मिडल में जो स्पेस ब्लैंक वाइट कलर की दिख रही है यहाँ पर शो हो रहा है, दैट इज दिस इज स्टोमेटल पोर। एंड देन थिन आउटर वॉल, यहाँ पर देख सकते हैं गार्ड सेल की थिन आउटर वॉल है ये, और इनसाइड जो है यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन यहाँ पर जो है सब्सिडियरी सेल्स हैं। देन थिक इनर वॉल, इनर वॉल जो है थिक होती है, दिस वन इज़ इनर वॉल। देन येलो कलर का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको शो हो रहा है, सैफ वैक्यूल, वैक्यूल है, ब्लैंक स्पेस है, जो भी गैसेस वगैरह होती है वहाँ पर जमा होती है। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है हमको। मैंने इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिए स्टोमेटा के ताकि आपको ईजिली उसके हर पार्ट्स अंडरस्टैंड हो जाए। नेक्स्ट नीचे वाली स्ट्रक्चर में भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट स्टोमेटा में किस तरह शो हो रहा है। सी दिस वन क्लोरोप्लास्ट एंड इनर वॉल, इनर वॉल भी यहाँ पर एकदम ईजिली दिख रही है। नेक्स्ट है स्टोमेटल अपर्चर, जब ये ओपन होता है खुलता है तो दैट इज़ ए अपर्चर। गार्ड सेल्स टू किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ दी गार्ड सेल्स, दिस इज गार्ड सेल्स एंड दिस वन इज एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी स्टोमेटा का ही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी आप एकदम ईजिली हर पार्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें टू टाइप्स हैं, आगे के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे।
देन यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं थिन आउटर वॉल है, ये जो है स्टोमेटा की थिन आउटर वॉल है, कार्ड सेल्स हैं, थिक इनर वॉल है, देन दिस इज़ न्यूक्लियस एंड दिस पार्ट इज़ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस वन इज़ स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा है और यहाँ पर क्लोज्ड स्टोमेटा, जब क्लोज होता है तो वो पूरा बंद हो जाता है, यहाँ पर हमको दिखाई कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर क्लोज्ड स्टोमेटा रहेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी सीन इन मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।